तो साथ हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉनिक्स यानी कॉनिक्स अगर आप दो इंटरसेक्शन की कॉनिक्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी उसका क्या तरीका कार है अब देखें हम एक जनरल इंफॉर्मेशन अगर मैं ड्राइव करूं मुझे ये पता है कि एल्जेब्रा के अंदर ऐसी इक्वेजन जो कि लीनियर इक्वेजन होती है लीनियर इक्वेजन कौन सी होती है जिनकी डिग्री वन होती है फॉर लीनियर इक्वेजन इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेजन और फॉर स्ट्रेट लाइन जैसे वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस सेवन ठीक है एंड प्लॉट तो करूंगा तो लीनियर का मतलब क्या है ऐसी जिनकी डिग्री वन है और इनके अंदर जो सोलूशन सेट आएगा आपके पास वो एक एक पॉइंट होगा वो जस्ट एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं ठीक है थीके? इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे

सो आई नो कि अगर मैं इस लाइन को ड्रा कर देता हूँ बल्कि लेट मी यूज डिफरेंट कलर मैं येलो कलर यूज़ करता हूँ लेट सपोज ये लाइन ये है ठीक है ये लाइन ये वाली लाइन है और दूसरी लाइन चूंकि स्लोप उसकी माइनस फोर है और इंटरसेप्ट सेवन है तो इसका मतलब है ऑन दी अदर हैंड बिल्कुल जितना डिस्टेंस उसका था उतना ही डिस्टेंस यहाँ से इसका हो जाएगा स्लोप के लिए तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ये दो लाइंस मैंने ड्रा कर दी ये दो लाइंस मैंने ड्रा कर दी अगर आप देखें तो ये लाइन दोनों लाइंस जो है वो एक सिंगल पॉइंट पे

कि अगर आप किसी भी किसी भी कॉनिक को किसी भी कॉनिक को फॉर एक्ल एक्स स्क्सर बी स्क्सर बी आउट करते हैं विद लाइन ठीक है एक लाइन है ठीक है उसके साथ अब दिस इज इक्वेजन ऑफ एलिप्स ठीक है दिस इज इक्वेजन ऑफ एलिप्स अब इसकी अगर मैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करता हूँ एक लाइन के साथ जो कि है टू तो एक्स Y 2X, चले मैं आप लिखता हूं, है, y 2X 5. तो ऑब्वियसली मेरे, तो 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 मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आएंगे, वो 2 आएंगे। ये दो पॉइंट्स हो सकते हैं अब उनकी नेचर वेरी कर सकती है वो एक, वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं वो रियल भी हो सकते हैं वो कोइंसिडेंट पॉइंट भी हो सकते हैं ये हमने बात स्टडी की है ठीक है सो बेसिकली डिग्री uh, जब वन थी दोनों की वन थी हमारे पास सोलूशन सेट में क्या आया जस्ट ये जैसे ये 0, 7, है? ये पॉइंट 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 था था ठीक ठीक है है जस्ट एक सिंगल आया ऑफ ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इस केस में एंड होंगे दो होंगे अब जिसमें मैंने बताया कि उनकी नेचर नेचरिम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अगर दो कॉनिक को इंटरसेक्ट कराया जाए अब इसी अगर इसी एनोलॉजी की बेस के ऊपर इसी एनोलॉजी की बेस के ऊपर हम मूव करते जाए तब दो कॉनिक को इंटरसेक्ट कराया जाए दो कॉनिक्स को मैं यहाँ पे डायग्राम की मदद से आपको शो करूंगा लेट्स सपोज हम बात करते हैं हाइपरबोला एंड एलिप्स की जस्ट एज एन एग्जांपल ठीक है हाइपरबोला एंड एलिप्स अब हाइपरबोला हाइपरबोला एंड एलिप्स एंड एलिप्स इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला एंड एलिप्स ठीक है एलिप्स अब देखें हाइपरबोला एंड एलिप्स हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे जो मेरा आईडिया है देखिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है x2 आवर a2

एंड पी फोर अब इसमें इनकी नेचर वेरी कर सकती है ऑब्वियसली कभी ये पॉइंट जो है वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं टू रियल पॉइंट भी हो सकते हैं टू इमेजिनरी पॉइंट भी हो सकते हैं ठीक है सारे के सारे जो है पॉइंट रियल हो सकते हैं सो बेसिकली इट डिपेंड्स ठीक है ये डिपेंड करेगा तो इसका मतलब हमारे पास दो जब आप दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे दो टू डिग्री इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो बेसिकली फोर पॉइंट आएंगे वो फोर पॉइंट्स आएंगे अब ग्राफिकली मैं इसको जरा टेस्ट कर लूँ ठीक है ग्राफिकली मैं एक जनरल ग्राफ प्लॉट करूंगा यहाँ पे एंड यू विल गेट एन आईडिया ठीक है देखिए तो हमें एक सेंस डेवलप होती है लेट oh से दिस इज माई वाई एक्सिस सॉरी दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई दिस इज माई वाई एक्सिस ठीक है सबसे पहले मैं ड्रॉप कर, ड्रॉ करता हूँ एलेप्स ठीक है दिस इज माई एलिप्स ठीक है दिस इज माई एलिप्स ऑरिजोंटल एलिप्स की हम बात करें ठीक है मैं बाई हैंड ही ड्रॉ कर रहा हूं दिस इज माई एलेप्स चले कुछ बेहतर बन गया हमारे यहाँ से ठीक है दिस इज द एलेप्स ठीक है अच्छा अब इसी तरह इसी में मैं हाइपर बोला भी ड्रा करूंगा ठीक है हाइपर बोला अब लड़ सपोज अगर मैं आर द टू वर्टिसेस तो वर्टिसे बोला क्या हो सकता है एक हाइपर बोला ये बन जाएगा ठीक है हम कोई भी अभी कुछ भी ड्रा नहीं करे जस्ट हम बात करें ये एक हाइपर बोला है आई I मीन mean, एक ब्रांच ऑफ हाइपर बोला ये है एंड दिस इज द सेकेंड ब्रांच ऑफ हाइपर बोला दिस इज द सेकेंड ब्रांच ऑफ हाइपर बोला अब ये जो दो कॉनिक्स हैं देखिए हाइपर बोला एक डिफरेंट कॉनिक है ठीक है दिस इज हाइपर बोला दिस इज हाइपरबोला हाइपरबोला ये एक डिफरेंट कॉनिक है ठीक है जबकि एलिप्स जो है वो एक डिफरेंट कॉनिक है एलिप्स जो है वो एक डिफरेंट कॉनिक है तो यहां से मुझे एक और बात जो समझ आती है कि अगर आप देखें ये दोनों की इंटरसेक्शन एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट में प्लॉट करता हूं एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है दो हो गए एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है तीन हो गए एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है चार हो गए अब अगर आप इसमें देखें तो ऑब्वियसली ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमारे पास क्या है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है रियल है इस केस में सारे के सारे क्या है रियल है बिकॉज ये रियल एग्जिस्ट अगर आप देखें तो तमाम के तमाम रियल हैं और डिस्टिंक्ट uh, है रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ है मुख्तलिफ है डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ठीक है चलें इसी तरह से uh, जो दोनो, दोनों दोनों कॉनिक्स हैं वापस में कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं को जैसे अगर आप एक हाइपरबोला को दूसरे हाइपरबोला से बोला और दोनों की इक्वेशन सेम है तो दे कैन बी देखेंस ठीक है को भी हो सकते हैं अच्छा इसी तरह से अगर हम जो है वो एक 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 हाइपरबोला अगर एक पैराबोला को देख लें लाइक अगर मैं एक पैराबोला ड्रॉ करूं अगर मैं एक पैराबोला को ड्रॉ करता हूँ दिस इज माई दिस इज माई एक्स एक्सिस दिस इज माई वाई एक्सिस ठीक है अगर मैं एक पैराबोला ड्रा करता हूँ लेट मी ड्रा ए पैराबोला पैराबोला लेट सपोज एक ऐसा पैराबोला जिसका ओरिजिन और जो राइट वर्ड ओपन हो रहा है दिस इज अ सॉरी ये एक पैराबोलिक पाथ है दिस इज द पैराबोलिक पाथ ठीक है ये अगर पैराबोला है और यहाँ पे मैं ऑब्वियसली इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर जनरल इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला और यहाँ पे अगर मैं इसके आ, अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं एक हाईपर बोला ड्रा कर लूँ या अगर एलिप्स ड्रा कर लूँ लेट मी ड्रा एन एलिप्स ठीक है अगर मैं इस केस में भी एक एलिप्स ड्रा करूँगा तो यू कैन फाइंड आउट कि हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं अगेन अगर आप देखें यहाँ पे ठीक है इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हैं यहाँ पे आप अगर आप देखते हैं तो दिस इज़ माई दिस इज़ माई एलिप्स ठीक है ये मेरे पास एलिप्स है

टोटल जो पॉइंट आएंगे वो कितने आएंगे हमारे पास टोटल चार पॉइंट आएंगे ठीक है ये हमें अल्जबरा से ही आ, ये हमें अल्जब्रिकली भी नोन है ग्राफिकली भी नोन है अभी हम इसके एक प्रॉब्लम दे लेते हैं और उसको प्रॉपर टाइम हम सॉल्व करते हैं और एक्चुअली हम फाइंड आउट करते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन से होंगे